नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी को पसंद आने वाले मेथी के पराठे की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेथी के पराठे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी ली है जो कि वजन में लगभग 250 ग्राम है। तो मैंने पहले इसे पानी से वॉश कर लिया और इसे मैंने सुखा लिया था। अब हम इसे मोटा मोटा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी ही मेथी को इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेथी को काट दिया है। यहाँ पे मैंने डंठल को भी यूज़ किया है इसमें। बहुत ज़्यादा डंठल नहीं काटना है, पर थोड़ा बहुत तो चलेगा। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सारी मेथी को इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टुकड़े अदरक के लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिए, इनको भी डाल देंगे हम। और यहाँ पे मैंने लहसुन के पत्ते लिए हैं, इनको भी डाल देंगे। 4 से 5 लहसुन के पत्ते थे। और अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे, जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है मेथी को। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच इसमें हींग डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच इसमें अजवाइन डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे हम। बेसन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पराठे में। और इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि पराठे एकदम सॉफ्ट बने, हमारे फूले फूले बन करके तैयार होंगे। इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम पिसी हुई मेथी को इसमें डाल के और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। मेथी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे हम, एक साथ नहीं डालना है पिसी हुई मेथी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने मेथी का डो लगा लिया है। अब हम इसे किसी एक प्लेट से ढक के और 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसकी लोई बना लेंगे। पराठे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े रख सकते हैं। तो इसमें हम सूखा आटा लपेट के और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे घी को। और इसे हम दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे, वापस से अपोजिट साइड में भी हम इसे फोल्ड कर देंगे और हम इसका चौकोर वाला पराठा बना लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लपेट लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। बेल लेंगे इसे हम पराठे को। अगर आपको मोटे पराठे पसंद है तो आप इन्हें मोटे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पराठे को बेल लिया है। मोटे पतले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। मैं एक दूसरा पराठा भी आपको बेल के बताती हूँ। तो वापस से मैंने एक लोई बना ली थी, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लपेट के और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है बीच में, और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से। अब हम इसे अपोजिट साइड में भी दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लपेट लेंगे और वापस इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पराठा यहाँ पे हमारा बिल करके तैयार है। आपको इसी तरह सारे पराठे बना लेने हैं। तो पराठा हमारा बिल करके तैयार है। अब चलते हैं इसको सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लोहे के तवे को गैस पे रख दिया था। तो जब हमारा तवा गर्म हो जाए तो हम उसमें पराठा डाल देंगे। इसे थोड़ा सा सेकने देंगे 1 से 2 मिनट बाद में। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें और अब हम इसमें घी लगा देंगे। आप चाहें तो इन्हें ऑयल में भी बना सकते हैं पराठों को। अब हम इन्हें पलट देंगे, दूसरी साइड भी हम इसमें घी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पराठा एकदम गुब्बारे की तरह फूला फूल गया है। अब हम इसे पलट देंगे और पलटते पलटते इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है पराठे में। अब हम इसे निकाल लेंगे। मैं एक और पराठा बना के बताती हूँ आपको। वापस से हम दूसरा पराठा डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें घी लगा देंगे। आप चाहे तो इनको ऑयल में भी बना सकते हैं। वापस से पलट देंगे, दूसरी साइड में भी हम इसमें घी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पराठा हमारा अच्छे से फूल गया है। वापस से इसे पलट देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर के तैयार होते हैं। इसी तरह हमें सारे पराठों को बना लेना है। अब चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो आप चाहें तो उन्हें चटनी के साथ सर्व करें, आप चाहें तो उन्हें दही के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।